अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान बमुकाबला इंग्लैंड, पहला T20 मैच प्लेइंग 11 क्या टीमें, बड़ी तब्दीलियां, कौन कौन सी तब्दीलियां हुई हैं। यहाँ जो है वो मैच से पहले ही टीम का नक्शा बदल दिया, यहाँ अचानक जो है वो पाकिस्तान टीम में बड़ी तब्दीलियां करने का फैसला ले लिया गया। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान टीम की पहले T20 मैच के लिए क्या प्लेइंग 11 होगी, तमाम तरह अपडेट्स और लाइव अपडेट्स से जो है वो आगाह किया जाएगा आपको, वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों पाकिस्तान बमुकाबला इंग्लैंड, चार T20 मैचेस की सीरीज है, जिससे पहले जो है वो पहले T20 मैच की जो है वो प्लेइंग 11 क्या है, तो चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों यहाँ पहले T20 मैच की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो यहाँ जो है वो कुछ ज़्यादा बड़ी तब्दीलियाँ नहीं होंगी, जैसे कि मोहम्मद रिजवान, उसके बाद जो है वो साइम अयूब के चांसेस बहुत कम है क्योंकि वो आयरलैंड के खिलाफ जो है फ्लॉप रहे हैं। बाबर आजम, फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, आजम खान, आमिर जमाल नहीं है यहाँ, लेकिन यहाँ तस्वीर पर लगे हुए हैं। आमिर जमाल स्कॉट का भी हिस्सा नहीं है और ना ही उसका अमीर है। इसके अलावा जो है वो शाहिन शाह अफरीदी भी हैं, मोहम्मद आमिर, अब्बास अफरीदी की चांसेस है कि वो पहला T20 मैच की प्लेइंग 11 में शामिल होंगे या नहीं। दोस्तों इसके अलावा जो है वो टीम में बात की जाए स्पिनर्स की, तो शादाब खान जो है वो शामिल होंगे, शादाब खान, इमाद वसीम के भी चांसेस जो हैं वो हैं, या इब्रार अहमद के भी चांसेस नहीं है, उन्हें शायद 2-3 मैचेस के बाद खिलाया जा सकता है, और हसन अली के भी जो है वो चांसेस बहुत कम है कि वो पहले T20 मैच की प्लेइंग 11 में शामिल हो सके। और दोस्तों एक और बात आपको वाजे बता दूं कि पहला T20 मैच की फाइनल प्लेइंग 11 अभी जो है वो सामने नहीं आई, जब आएगी आपको लाजमन बताया जाएगा। और दोस्तों टाइम टेबल जो है वो बात की जाए, यहाँ 22 मई को जो है वो 10:30 रात को मैच, पहला T20 मैच होगा। इस तरह की अपडेट्स और जो है वो प्लेइंग 11 स्क्वाड, इस तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को आप दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा।